अजानं वितभुजौ कनिकावदातौ शङ्करतनयपितरौ कमलायताक्षौ भीष्मम्भरौ विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ कुचकलशधरार्ता केसरी चरणमयी वयस्माकंधवीन्यस्तहस्तो निधुवनतसुकुञ्जं जातिराधारिपुञ्जं ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवितं सिंहमहंसले विश्वसर्गविसर्गादिन्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनवामित जय श्रीरूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ हे छय गोसाई करि चरण वंदन जहाँ ते विघ्ननाश विष्ठर वांछा कल्पतरो यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री वीरेंद्र बिहारी बिहारिणी सरकार की श्री श्री पंडित बाबा जी महाराज की श्री भागवत निवास की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 76 सरोवर लसतटे मधुक गुंज कुजान कुंजांतरे स्फुटत कुसुम संकुले विविध पुष्प संग्रहि मुदा अरिष्ट जैना कदा तव बरोर भूषा विधि विधास्यते यह प्रियं मम सुखादि मातन्वता पिछले श्लोक में आचार्य चरण श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पर राधा कुंड के तट पर प्रियालाल का जल के लिए जल विहार का वर्णन किए। ये प्रिया जी की जो लीला है नित्य निरंतर अनवरत चलता रहता है। एक भौम वृंदावन है और एक नित्य वृंदावन है और एक संत का हृदय वृंदावन है। इसी के लिए भगवत रक्षी जी कहे हैं कि हमारो वृंदावन उर और
संत का जो हृदय है वही असली वृंदा। वैसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वही वृंदावन प्रकट हो जाता है। रसिकों का हृदय ही नित्य वृंदा है, नित्य निरंतर प्रियालाल का दिव्य रस के लिए चलता रहता है। ये विलाप कुसुमांजलि है, वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय का जो वृंदावन है वही वृंदावन प्रकट है, उसी की कथा हो रही। हमारो वृंदावन पुर और माया काल जहां नहीं व्यापे जहां रसिक सिरंभोर। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं भक्तों के हृदय में रहता जहां नित्य विहार चलता रहता है। श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं कि हे बरोरु, प्रिय जी का नाम रखे हैं बरोरु। बरोरु कहते हैं जिसकी सुंदर जांग है। बरौ श्री कृष्ण मनोहरण सामर्थ्या श्रेष्ठ गुरु जस्या। श्री कृष्ण जैसे मदमत गज के मन को हरण करने वाली जिसकी जांग है उसको कहते हैं बरौ, सुंदर जांग वाली। यह सरोवर लसत तटे, यह श्री राधा कुंड है। ये कैसा कुंड है तो सरोवरस्य राधा कुंडस्य, श्री राधा कुंड के लसत तटे प्रकाशमान जो दिव्य प्रकाशित हो रहा है तीरे, उस तीर में राधा कुंड के तीर पर स्फुटित कुसुम संकुल है। राधा कुंड के तट पर सभी सखियों आठों सखियों का कुंज है और उसमें विचित्र प्रकार के प्रिया जी के सेवोपयोगी पुष्प खिले हुए स्फुटंती प्रकाश माणानी कुसुमय संकुले व्याप्ते। चारों तरफ सेवोपयोगी पुष्प खिले हैं। ये पुष्प भी प्रिया जी की किंकरियां हैं, सेविका है। प्रिया जी की सेवा के उपयोग में जो वस्तु लगता है साधारण तो लगेगा नहीं, तो सखियां ही पुष्प बनकर लता पता बन करके प्रियालाल की सेवा के लिए उपस्थित होती है। आ उस पुष्प पर मधुप गुंजित कुंजांतर है, उस पुष्प पर भ्रमर गुंजार कर रहे। प्रियतम ही प्रत्येक पुष्पों पर भंवरा बनकर गुंजित कर रहे हैं। किसी भी भंवरा को देख करके प्रिया जी श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण ही है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे से तीसरे पुष्प, श्री कृष्ण भंवर बनकर के मधुपस्य कुंजोस्यास्तीति एवं भूतम कुंजम तस्यांतर मध्ये। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर प्रियालाल का ये प्रिया प्रियतम का विहार है। वो कौन है भ्रमर कौन है तो कहते हैं अरिष्ट जैना श्री कृष्ण ने, जिन्होंने अरिष्टासुर का वध किया वही श्री कृष्ण। कदा मम प्रिय सुखाब्दि अतनुत आह, वही श्री कृष्ण कब मुझे उस महासुख समुद्र में निमज्जित करेंगे, डुबा देंगे। विविध पुष्प संगई मुदा तब भूषा विधि विधास्यते, विविध पुष्पा पुष्पों के द्वारा ऐसा सुअवसर कब प्राप्त होगा कि पुष्प का ही नथिया बनाऊंगी, पुष्प का ही कुंडल बनाऊंगी, पुष्प का ही मुकुट बनाऊंगी, पुष्प का ही वस्त्राभरण बनाऊंगी, इत्यादि। ऐसा सुअवसर हमें कब प्राप्त होगा। ये साधकों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गए हैं।
ये महापुरुषों की वाणी क्या है, ये नौका है। इसी नौका पर चढ़ करके उस रस को प्राप्त कर लेंगे जिस रस को प्राप्त करने के लिए सभी लोग तरसते रहते हैं। श्रीपाद जल विहार के बाद सेवा परायण मंजरियों के सुख स्वादन करने के लिए जल विहार के बाद श्रृंगार होते थे। जब प्रियालाल स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूक्ष्म वस्त्रों से मंजरियां उनके श्री अंग का मार्जन करती हैं, पोछती हैं और पोछने के बाद श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार कौन करेगा प्रिया जी का? प्रिया जी की सेवा के लिए सखी हैं, बहुत सखियां हैं, खास करके मुख्य आठ हैं, आठों सखियों की आठ सेवा है और आठ सखियों के पीछे चलने वाली मंजरियां, अष्ट प्रमुख मंजरियां हैं, फिर उनके मंजरियों का जूथ। तो प्रिया जी की सेवा के लिए सब लोग ललायत रहते हैं, हम करें सेवा। तो प्रिया जी स्नान की, स्नान करने के बाद विचार आया कि अब सेवा कौन करे। तो प्यारे श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके ललिता सखी से प्रार्थना किए कि ये अवसर हमें देनी चाहिए, प्रिया जी की श्रृंगार मैं करूंगी। तो राधा कुंड के तट पर विभिन्न प्रकार के कुंज हैं, एक कुंज में वहीं पर स्नान कुंज, दंत धावन कुंज, भोजन कुंज, सब कुंज हैं। तो श्याम सुंदर अपने हाथ से प्रिया जी के श्री अंग का सेवा करें, श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के लिए तैयार हैं जितनी भी सखियां हैं, श्रृंगार उपयोगी वस्तु दौड़ दौड़ करके ला रही हूँ। उस समय की अतुलनीय सेवा जो है, जो श्याम सुंदर का अभिष्ट है, फूल फूल पर सरस गुंजनशील भौरे गुंजायमान गुंजित है। उसी कुंज में अरिष्टासुर को जीतने वाले प्यारे श्याम सुंदर स्वामिनी जी की भेष रचना करने के लिए आए, वही कह रहे हैं यहाँ पर, हे बामोरू, प्रिया जी का जांघ कैसा है तो केले के थंब के समान, कदली स्तंभ की तरह प्रिया जी का जांघ। वही अरिष्ट जयी मेरे सुख को विस्तार करते हुए तुम्हें फूलों से सजाएंगे। श्याम सुंदर राधा किंकरियां सभी सुख को पसंद, अपना सुख को कभी पसंद नहीं करती। गोपियों का सुख स्वरूप वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, प्रिया जी के सुख के लिए श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर के सुख के लिए प्रिया जी हैं। और प्रियालाल का जो विहार है वो गोपियों की संपत्ति है, सुख है। तो गोपी गण करे जब कृष्ण दर्शन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो सुख वांछा नहीं सुख है कोटि गुण, अनंत सुख प्राप्त होता है कृष्ण के सुख से भी अधिक गोपियों। गोपियों के दर्शन करने से जो श्याम सुंदर को आनंद मिलता है, गोपिका दर्शने कृष्ण जे आनंद है ताहा है ते कोटि गुण गोपी आस्वाद। देखिए यही लीला है, कृष्ण की प्रतीक लीला भक्त सुखांत, भक्तों के सुख के लिए विविध प्रकार के अवतार धारण करते हैं प्यारे श्याम सुंदर। ये सुख बढ़ता रहता है, सुख देने में जो सुख मिलता है, दो आदमी परस्पर मिलते हैं तो अपना दुख की चर्चा चालू कर देते, अपने दुखी हैं और दूसरों को भी दुख देना प्रारंभ करते हैं।
दो मिल करके नया नया अच्छा अच्छा बात करना चाहिए, सुख की बात। अब देखिए इन प्रियालाल के दोनों के मिलन में प्रियालाल से भी अधिक सुख का अनुभव सखियां करती हैं। तथापि बढ़ाए सुख पड़ी लो विरोध, जे विरोध है एक देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुख पर्यवसा। गोपियों का सुख ही, कृष्ण का सुख ही गोपियों का परम सुख का आस्वादन, यही हमेशा आस्वादन करती रहती हैं गोपी। ये महात्माओं की यही संपत्ति है, संत महात्मा का संपत्ति यही है, प्रियालाल का दिव्य विहार दिव्य लीला। भगवत रसिक जी कहते हैं हम लोगों की संपत्ति यही है, मकान दुकान आश्रम हमारी संपत्ति नहीं। भगवत रसिक जी कहते हैं हमारी संपत्ति दंपति खेली। प्रियालाल का जो खेली है वही सखी सखी सहचरियों की संपत्ति है, हमारी संपत्ति दंपति खेल। प्रियालाल विहार करते हैं वही सखी मंजरियों की आनंद है, संपत्ति है। इस संपत्ति कभी घटता नहीं, संसारिक संपत्ति तो घटता रहता है, लेकिन यह संपत्ति है दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, सुख सागर खीरे। सुख इतना आनंद आता है, यहाँ सुख मिलता है सखी सहचरियों को, इतना सुख मिलता है कि सखियां कहती हैं बस हम हमेशा देखते रहना, ये है संपत्ति। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का एक संपत्ति है, अनुपम संपत्ति है, जिसकी तुलना कोई संपत्ति कर ही नहीं सकता, न गोलोक कर सकता है न वैकुंठ कर सकता है। इतना सुख भक्तों को मिलता है प्रियालाल कहाँ, और प्रियालाल नित्य दर्शन चिंतन से, चिंतन करने से जो इनको सुख मिलता है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, सुख सागर की रेल हमारी संपत्ति दंपति के। ये संपत्ति कैसी है तो कहते हैं इसको किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती, कोई है ही नहीं जगह। स्वामी हरिदास हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघु गोस्वामी पर इन महापुरुष लोग देखने में बिल्कुल साधारण है, उनका रहने खाना उनका स्टैंडर्ड देखेंगे तो एक संसारिक दृष्टि से एकदम छोटे है। रघुनाथ दास जी को देखिए कुछ कपड़ा नहीं, एक लंगोटी साधारण पहने हुए है, बिल्कुल कृच्छ शरीर है, खाने के लिए 24 घंटा में केवल एक दोना छाछ पीते हैं, लेकिन कितना महान आनंद में है, कितना बड़ा सागर है, जिस सागर का एक कण भी ब्रह्मानंद में वैकुंठ में नहीं है। जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ, इन महापुरुषों के आनंद जो है सुख है वो कहीं हो नहीं सकता है। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत, अतुलित अमित अनुपम अद्भुत, रस के ठेला ठेल हमारी संपत्ति दंपति के। ये कैसा है तो अतुलित है, इसका तुलना हम किसी से कर नहीं सकते हैं। इसका कितना है, कितना है तो कहते अमित है, अनलिमिटेड है, कोई सीमा में बांध नहीं सकता है।
अनुपम है, इसके उपमा किसी से नहीं दिया जा सकता है, अद्भुत है। ये केवल रस ही रस है, जो श्रीमद् भागवत में है ना, इसमें छिलका नहीं है न गुठली है, केवल रस स्वरूप है, इसमें कोई त्याज वस्तु नहीं, केवल रस ही रस है। रियाप जी की संपत्ति, एक बार जिसका चित्त इस रस में घुस गया, एक बार घुस गया, उसकी लोक बाह स्थिति हो जाती है, उसको संसार के लोग मिल करके घोषणा कर देते पागल। नित्यानंद प्रभु को पागला निमाय, पागला निताय, जयदेव जी के गांव में जाएंगे तो कर लिखा है पागला जयदेव, क्योंकि संसार के रस के नहीं ऊपर उठ गए। संसारिक वस्तु वहां आंक नहीं सकता इस किस रस में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर जिस रस का अनुभव कर रहे हैं, उसको कोई नहीं जानता है। यही है अतुलित जमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठे भगवद रसिक द्विगन में दीनी, भगवद रसिक द्विगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल हमारी संपत्ति दंपति के। एक बार श्यामा श्याम के उस रूप सुधा को जिसका नेत्र अवगाहन कर लिया, अब वो तो नथ गया, अब उसका मन कहीं जाएगा, वो चारों तरफ से बंद गया। वो चाहने पर भी यदि चाहे कि मैं अपने मन को कहीं लगा सकूं तो लगेगा, बस उसका नेत्र। यही इसी के लिए गोपियां कहती है श्री कृष्ण सबसे बड़ा चोर है, हमारे आंख को चुरा लिया, हमारे कान को चुरा लिया, हमारे मन को चोरी कर लिया। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप क्या था, चोर एक बार जो देख लेता था उसका आंख अंधा हो जाए, कृष्ण को छोड़कर दूसरा कुछ देखना नहीं चाहता। वही भगवत रसिक जी कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, संसार के लायक अब नहीं रहा। ऐसा भगवत रसिक त्रिगन में दिन श्यामा श्याम सके बांध दिया, अब जाओ बेटा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इसी रस का आस्वादन राधा कुंड के तट पर कर रहे हैं, जल विहार। देखिए नित्य निरंतर एक क्षण के लिए इनका चित्त श्री कृष्ण रस से प्रियालाल के विहार से इधर जाता है तो पागल हो जाता है। अब क्या करें, इतना गाढ़ चिंतन करते हैं कि पुनः वह लीला स्मरण। इसीलिए विप्रलंब उसी को अच्छा लगता है जिसको एक बार संभोग हो गया, एक बार मिलन हो गया। बिना मिलन का संभोग किसी काम का है। अब भजन का रस मिला नहीं, अब भजन छूट गया तो मस्ती, अरे चलो भजन छूट गया, लेकिन भजन का एक बार जिसका स्वादन मिल गया और उससे भजन नहीं बनता तो तड़पता है, रोता है, क्योंकि एक बार रस मिल गया। श्री कृष्ण का काम यही है, एक बार अपना दर्शन देकर फिर छिप जाते, छिप जाने के बाद बार बार उसी का चिंतन करते हैं, वो रस कब मिलेगा, वो रस कब मिलेगा। यही विप्रलंब रस। एक विप्रलंब रस जब प्राप्त होगा नहीं, मिलन के बाद जो विप्रलंब होता है बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा सुख देने वाला। भजन बनता नहीं, लेकिन वो भजन की एक बार जो रस मिला उसके लिए तड़पता रहता है, होता रहता है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं व्यास भगवान को कि एक बार भी जो भगवान के भजन से अलग चला गया, भजन कर रहा है और भजन करते करते उसका मन अलग चला गया, भजन का रस भी नहीं मिला है, मन चला गया अलग, तो अलग जाने के चलते वो धीरे 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 इतना दूर चला जाता है कि फिर अब लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए
इसलिए मन को श्री कृष्ण चरणा चरण से थोड़ा सा भी दूर रखते नहीं महात्मा, जब तक भजन का अनुभूति प्राप्त नहीं होगा उसके पहले ही संसार की कामों में रच पच जाते हैं, तो धीरे 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 इतना दूर भग जाते हैं कि कुत्ता बिल्ली 84 लाख जन्म में ग्रहण कर लेते हैं। इसी को नारद जी व्यास भगवान से कहते हैं, ततो नथा किंचन विच्छतः पृथक, थोड़ा सा भी यदि पृथक होता है तो दृश्यस्त तत्कृत रूप नाम होते। यदि हमारा मन श्री कृष्ण के उस रस से थोड़ा सा दूर हुआ, उस प्रेम से उस सेवा से हमारा मन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, ततः अन्यथा जत किंचन अभी भगवान के भजन के नाम पर जो भी इधर उधर की काम हम लोग चालू कर देते हैं तो क्या होता है कि विविक्षता अर्थात कृष्ण नाम छोड़कर हम दूसरा कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने की यदि इच्छा होती है तो वही बोलना और उसको देखना, देखते देखते वह पुरुष उसी नाम रूप के चक्कर में पड़ करके इतना दूर फेंका जाता है, उसी नाम रूप के चक्कर में पड़ते 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 उसका मति बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, पागल हो जाता है इधर उधर। वैसे ही जैसे नाव छूट गया, नाव का रस्सी जो बंधा हुआ है तट पर उससे छूट गया तो हवा के चलते उसका डोंगी इधर से उधर नाव चल रहा है, उसको रक्षा करने वाला नहीं है। उसी तरह हमारे मन की स्थिति है, मन को खूंटा में बांध कृष्ण चरणामृत चरण में रूपी किला में बांध तब बोले, अर्थात बोलना भी है तो पॉइंट कृष्ण को रख करके कुछ बोले, कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ बोलने लगेगा तो बोलते बोलते वो इतना दूर भाग जाएगा कि अब भगवान की नाम रूप के चक्कर में पड़कर अनंत जन्म जन्मांतर होगा। भगवत रसिक जी यही कहते हैं कि बस रसिक भक्तों का सबसे बड़ा काम यही है, आंख से अब कुछ देखेंगे नहीं, साधन की काम है, नयनन देखो और नहीं, आंख से कुछ देखना नहीं, श्रवण सुनो नहीं कान, भजन करना है तो स्थिति मान बस हम कान से और कुछ सुनेंगे नहीं, घ्राण सुनो और कछु रसना कहो न और, नाक से कुछ सुनो तो अपने इंद्रियों को बस कृष्ण सेवा में, हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को कृष्ण सेवा में। देखिए अब हम लोग देखते हैं कुंज में ठाकुर जी कैसे प्रिया जी का श्रृंगार कर रहे, ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं, सब सखियां मीटिंग की स्नान के बाद प्रिया जी का श्रृंगार कौन करेगा, तो भगवान श्री कृष्ण श्री हरि जो लाल कातर दृष्टि से ललितादि सखियों की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सेवा तुम्हें ही करो। भेष रचना वाले कुंज में श्यामा श्याम प्रवेश करते हैं। श्याम मैं आज करूंगा ऐसा आदेश मिला है। अच्छा प्रणय भरी कैसी कैसी प्रार्थना चल रही है स्वामी जी नेत्र से, स्वामी जी के नेत्र में नेत्र मिला करके प्यारे श्याम सुंदर मन ही मन सोच रहे हैं, स्वामी भू भंगिमा द्वारा अनुमति दे दी, सखियों को दे दी है कि ठीक ये सेवा करेगी, अंगीकार के माध्यम में स्वयं को प्रिया जी अपने आप को लुटा देने के लिए सामर्थ्य, अब श्याम सुंदर के यहाँ अपने आप को दे दी, वह उनके प्रियतम श्याम सुंदर सेवा भी करेंगे तो निरुपम सेवा होगी, वैसा तो सेवा कोई करेगा नहीं। सखियां कुंज रंध्र से प्रियालाल के उसे सेवा का दर्शन कर रही, भाव और रस दोनों एक साथ है, रस और रस का आस्वाद है, श्री कृष्ण अखंड रस के राजा हैं और श्री राधा अखंड भाव की रानी है, श्यामा श्याम एक दूसरे में पढ़कर अब सेवा चालू हो गया, आराधक विचार से उन्होंने राधिका नाम शास्त्रों में राधा रानी का नाम है, राधा का नाम ही होता है जो हमेशा आराधना करती रहती है,
इसका अर्थ दो तरह है, जिसकी की आराधना श्री कृष्ण करते हैं या जो श्री कृष्ण की आराधना करती है, इसका रसिक लोग दोनों अर्थ स्वीकार किए हैं। स्वामी जी थोड़ा ऊपर रत्न वेदी पर बैठी हुई हैं। प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ में पुष्प चयन करके तैयार किए हैं। स्वामी नीचे पाद पृष्ठ पर अपने पैर को रखी हैं और अरिष्ट विजयी प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ से पुष्प चयन किए हैं। ये जो राधा कुंड के पास जो कुसुम सरोवर है, वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्प चयन करने के लिए सखी मंदिरियाँ जाती हैं। आज स्वयं श्याम सुंदर ही पुष्प चयन किए। प्रिया जी के हाथ स्वच्छंद एवं रहस्यमय बिहार का ऐसा स्थान ब्रजमंडल में और कहीं नहीं है। गिरिराज जी की जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, प्रिया लाल का निवृत्त निकुंज है, उन पर न जाने कौन कौन सी लीला इस रस का भंडार गिरिराज जी। इसीलिए भागवत में हरिदास वर्य कहा गया है कि धन्य है गिरिराज जिनके तलहटी में, जिनके गुफा में, कंदराओं में प्रियालाल के विभिन्न प्रकार की लीला होती रहती है। तुलसी खड़ी खड़ी प्यारे श्याम सुंदर जो जो याचना करते हैं, जो जो चाह करते हैं, वो लेकर के खड़ी है सेवा में। स्वामिनी नयन भंगिमा द्वारा तुलसी से कहती हैं, तुलसी तुम भी इनकी कुछ सहायता कर प्यारे श्याम सुंदर की। पांच सात पतली पतली माला गूंथ करके दी, पुष्प का श्रृंगार यहाँ प्रिया जी का होगा। स्वामिनी के बैठी है और खड़े होकर के प्यारे श्याम सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। प्रिया जी के रूप सौंदर्य को देख करके प्यारे श्याम सुंदर का हाथ कभी कभी स्खलित हो जाता है, कांपने लगता है, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये श्याम सुंदर क्या है, साक्षात क्या है, मादनाथ महाभाव के स्वादक प्यारे श्याम सुंदर। कमल और चांद एक साथ इकट्ठा हो गया है, ये हस्त कमल और मुख चंद। रात्रि में कमल कभी खिलता नहीं है, सभी लोग जानते हैं रात्रि में अपने आप कमल का फूल बंद हो जाता है, चंद्रमा को नहीं देख पाता कमल। और प्रिया जी का मुख चंद और प्यारे श्याम सुंदर का कर कमल आज एक दूसरे के निकट पा करके आनंद की सीमा नहीं। ऐसा तो सौभाग्य कभी कमल को हुआ नहीं कि मैं चंद्रमा का मुखमंडल का दर्शन कर पाऊं, क्योंकि चंद्रमा तो उसी समय मुंद जाता है। भास्वान उदय शशि वशिष्ठ पंकज श्री।